आज की मेरी कहानी, मैं घर से निकलते ही मैंने देखा, अरे स्कूटी है तो मेरा क्या, मैं तो स्कूटी में बैठ के तो घूमने जाऊंगा बोल के सोच के मैं स्कूटी का चाबी ऑन किया और स्कूटी घर से निकल गया। और स्कूटी घर से निकलते ही भैया बोला मुझे भी लेके चलो, तो कहाँ जा रहे हो बोला तो हम लोग वहाँ से निकल आए। और निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग गए सैलून पे, और सैलून में जाके बाल उल थोड़ा कट कुट कर लिए। उसके बाद मैंने देखा एक लड़का, तो बोला मैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, तो बोल रहा है मैं अस्सलाम वालेकुम क्यों बोल रहा है, अरे मैं तो हिंदू हूँ तो दाढ़ी मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए मैं तो मुस्लिम बोला। और आ गए हम लोग बीरपाड़ा मोबाइल बनाने, और देखा इधर तो गिटार दुकान भी है, तो क्या गिटार बजाना तो नहीं आता, जस्ट देखता रह गया। और गिटार दुकान देखने के बाद मोबाइल दुकान में देखा तो भैया अभी भी बना ही रहा है मोबाइल। उसके बाद बाद में फिर आया तो फिर भी भैया बना ही रहा है मोबाइल, पता नहीं कब होगा। तो बोर लग के हम लोग ऐसे ही दो घंटे तो ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद बाहर थोड़ा टहल के आते बोलते बाहर आया तो देखा इधर उधर धूप के कारण टहलने की घूमने की जगह भी, बहुत गर्मी के कारण घूम नहीं पाया तो क्या करे। फिर अंदर जाके देखा तो फिर भी भैया अभी भी बना रहा है फ़ोन। तो ऐसा ऐसा करके दो ढाई घंटे बाद बन गया फ़ोन। और उसके बाद हम लोग निकल आए, और आते समय इस भैया के दुकान में अंदर गए, और भैया के दुकान से हम लोग ने मोमो एक एक प्लेट समोसा मंगाया था, बोला दो बोला तो दो दिया। और उसके बाद देखा अरे चटनी नहीं दे रहा है, चटनी नहीं दे रहा है, तो भैया भैया चटनी, तो भैया ने चटनी लेके लगा दिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए।